जय हिंद। आज के शेड्यूल में टॉपिक है एएमसी सेंटर लखनऊ में इंडियन आर्मी रिलेशन की भर्ती, जो आपका शुरू हो चुका है 15 नवंबर के डेट से, मतलब कल ही के डेट से ये भर्ती आपका शुरू हो चुका है। तो आज हम इस शेड्यूल में देखेंगे कि एएमसी सेंटर में वहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया कैसे चल रही है, मतलब कि शुरू से लेकर अंतिम प्रक्रिया का पूरा डिटेल इस शेड्यूल में हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और साथ ही साथ एक और भी टॉपिक है, जो एज लिमिट और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ट्रेड वाइज के हिसाब आपसे, बने रहेंगे पूरी जानकारी के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपका जो भर्ती चल रहा है वो आपको सुबह 5 बजे आपको भर्ती में पहुंच जाना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन सी दस्तावेज लेकर जाना है और वहां पे भर्ती में आपको कितने बच्चों को टाइमिंग दिया जा रहा है, एवरेज कितने बच्चों को पकड़ा जा रहा है और टाइमिंग क्या दिया जा रहा है, इसके लिए हम 2 स्पेशल वीडियो अलग से बना चुके हैं डॉक्यूमेंटेशन और भर्ती संबंधी अलग अलग। तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, ताकि आप बैच टाइम और एवरेज कितने बच्चों को पकड़ा जा रहा है ये सारी जानकारियां देख सकेंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे भर्ती की प्रक्रिया, मतलब वहां पे प्रोसेस कैसा चल रहा है, क्या आपका होने वाला है और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी कंडीशन का पूरा डिटेल बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहां पे आपको सुबह 5 बजे पहुंचना है, जो आपका रोड रनिंग करवा जा रहा है उस जगह पे आपको प्री डॉक्यूमेंट्स चेक सबसे पहले आपको करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री डॉक्यूमेंट्स चेकअप करवाना है, मतलब कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हो रहा है, मतलब आपका 3 या 4 जो मेन सर्टिफिकेट होता है, जैसे में आपका हो गया ओरिजिनल मार्कशीट हो गया, मूल निवास हो गया, COVID-19 का हो गया, रिलेशन का हो गया सर्टिफिकेट, ये आपको 3 या 4 सर्टिफिकेट आपको सबसे पहले चेक किया जा रहा है। उसके बाद आपको एंट्री मिल रहा है, देन उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। भाई फिजिकल टेस्ट में आपको क्या क्या करना होता है, रनिंग करना होता है, 10 बीम मारना होता है, जिग जैग बने और 9 फीट गड्ढा को जंप करना होता है, ये आपको फिजिकल टेस्ट में वहां पे करवाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि पूरा आपको A to Z डॉक्यूमेंट्स अच्छे ढंग से वहां पे वेरिफिकेशन होगा, मतलब फिजिकल टेस्ट में पास करेंगे तब के बारे में आपको बता दूं। फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट में पास करने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन वहां पे हो रहा है, इसीलिए हम एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं कि वहां पे एएमसी सेंटर लखनऊ में इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती में कौन कौन सी दस्तावेज लेकर जाना है। क्योंकि भाई आप एक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाएंगे तो वहां पे रिजेक्ट आपको कर दिया जाता है, इसीलिए आपको A to Z डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। अगर आपको भर्ती और भी आपका आने टाइमिंग में वो आप वीडियो को देखें, ताकि आप A to Z डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। और भी जो आपका 17-18 जो भी नवंबर का भर्ती चलेगा, वो जैसे जैसे रिपोर्ट आएगा हम सबसे पहले अपने चैनल पे शेयर करेंगे आपके साथ। तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंटेशन के बाद ये आपको पहला दिन पूरा हो जाएगा, और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं ये जब कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। मेडिकल में भी आप पूरी तरह से फिट होंगे तो भाई उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपका रिटेन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा। आपको एक एवरेज लेकर टाइमिंग चलना है कि 2 से 2.5 महीने का टाइमिंग मिलेगा, अन्यथा अगर बीच में कोरोना वगैरह का माहौल आ गया तो उसके बाद पोस्टपोन कर दिया जा सकता है एग्जाम को। लेकिन अगर वैसा कुछ भी माहौल नहीं आया तो आपको 2 से 2.5 महीना या 1.5 महीना, मतलब 2 महीने का एक एवरेज लेकर चलना है टाइमिंग के लिए, रिटेन टेस्ट की टाइमिंग के लिए। तो यहां तक आप पूरा देखें कि रिटेन जब में पास करेंगे तो उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मेरिट लिस्ट आपका कैसे तैयार होगा उस पे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आई होप जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन था, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन था एएमसी सेंटर लखनऊ में इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती को, वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूं। अब देखिए मैं आपके साथ बता रहा हूं कि वहां पे कौन कौन सी ट्रेड की भर्ती हो रही है। तो वहां पे टेक्निकल, GD और ट्रेड्समैन और स्टोर कीपर और क्लर्क की भर्ती चल रही है। तो भाई टेक्निकल के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन और एज लिमिट होता है, तो क्वालिफिकेशन टेक्निकल के लिए होता है वो आपका होना चाहिए 12th पास आपको होना चाहिए, 12th में आपका होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड के साथ, लेकिन साइंस में आपका बायोलॉजी नहीं होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 12th में होना चाहिए। और ये आपका 12th में जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ कम से कम 50% मार्क्स आपका होना आवश्यक है, और सभी सब्जेक्ट में एवरी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना आवश्यक है, तब इस भर्ती में जा सकते हैं टेक्निकल की भर्ती में। और इसकी एज लिमिट की बात कह लिया जाए तो इसका एज होता है 17.5 से 23 साल के बीच में। और इसमें मतलब बहुत सा बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि सर वहाँ पे एज लिमिट का क्या छूट वगैरह दिया जा रहा है एज के लिए, तो ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जो भी मेरे पास था ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से एज जितना वहाँ पे लिया जाता है वही मैं आपके साथ शेयर किया, और ऐसा छूट का ऑफिशियल नोटिस मेरे पास नहीं आया है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ GD, तो GD के लिए एज होता है आपका 17.5 से 21 साल के बिटवीन में, ये ऑलरेडी पहले आप जानते हैं। और GD के लिए क्वालिफिकेशन बस 10 पास आपको होना जरूरी है मैट्रिक पर। और इसमें ट्रेड्समैन की आपका 2 लेवल
लेवल का भर्ती चल रहा है, मतलब कि 8वीं के लेवल पे भी और 10वीं के लेवल पे जो जो योग है 8वीं पास है वो भर्ती में जा सकते हैं ट्रेड्समैन की पद पे, और जो 10वीं पास है म्यूजिशियन कैटेगरी में भर्ती जा सकते हैं ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए। तो यहाँ पे 8वीं 10वीं के दोनों लेवल पर यहाँ पे भर्ती चल रहा है, जिसमें क्वालिफिकेशन के बारे में समझ गए, और इसमें एज लिमिट होता है वही 17.5 से 23 साल के बीच में, और एस के टी और क्लर्क के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका इंटर पास होना चाहिए, और इंटर पास में आपको ये नहीं कि कंडीशन रहता है इंटर में कि साइंस होना चाहिए या कॉमर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इंटर आपको किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, चाहे कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स, लेकिन इंटर में याद रहे आपका 60% मार्क्स होना आवश्यक है, तब आप स्टोर कीपर या क्लर्क की भर्ती में जा सकते हैं। और इसकी एज लिमिट की बात कर ली जाए स्टोर कीपर और क्लर्क की, तो उसमें आपका एज होता है 17.5 से 23 साल के बीच में। तो यहां तक और एलिजिबिलिटी कंडीशन और वहां पे भर्ती की पूरी प्रक्रिया चल रहा है वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, और बाकी मैं आपको बता दूं कि स्पेशल इसके लिए हम वीडियो भी बना चुके हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी देखने को मिल जाएगा। आई होप जो भी मैं आपके साथ शेयर किया जानकारी वो आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।